अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आईओपी महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूली छात्रों पर लगाए सुविधा शुल्क का जमकर विरोध किया। इसके बाद उन्होंने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रदेश सह मंत्री शशांक शर्मा ने कहा कि वार्षिक उत्सव के दौरान जिन असामाजिक छात्रों ने विद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाई है, उन छात्रों को चिन्हित कर कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि सभी छात्रों को एक ही कटघरे में खड़ा कर दोषी समझ कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि हर छात्र इसके लिए दोषी नहीं है। वहीं जब महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश चंद दुबे से संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ज्ञापन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ 15 फरवरी को वार्षिकोत्सव होता है, प्रतिवर्ष, इस बार भी था, तो कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर था। उस समय लास्ट के 20 मिनट में कुछ उद्दंडी बच्चों ने और डांस करने लगे, और डांस के बाद उन्होंने जानबूझ के चेयर तोड़ी। करीब 28 चेयर हमारी टूटी कॉलेज की। तो हम ये नहीं चाहते कि जो कॉलेज में पढ़ने आए बच्चे वो अनुशासन के साथ रहने चाहिए, न कि इस तरह की उद्दंडता कर रहे हैं, कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब उनको चिन्हित करने के लिए सबसे पहले हमने सामूहिक दंड सब पर 500-500 रुपये लगाया, और हमारे पास वीडियोग्राफी भी है, उसमें से भी फ़ोटो निकलवा के उन बच्चों को पकड़ा जाएगा, तब अन्य जो दोषी बच्चे हैं वो पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, कॉलेज से निष्कासित किया है। यही दिया है कि इसमें निर्दोष बच्चे दंडित न किए जाए, जो दोषी हैं उन्हीं को चिन्हित करके दंडित किया जाए, और हम लोग भी इसी प्रयास में एक समिति बना दी गई है जो चिन्हित कर रही है दोषी बच्चों को। देखिए, आंदोलन ने किया, 2-3 दिन पूर्व महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ था, और वार्षिक उत्सव में कुछ असामाजिक छात्रों ने यहाँ की जो सरकारी संपत्ति है, उसकी जो कुर्सियाँ मेज हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसमें कि कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों पर कार्रवाई करते हुए सबको 500 रुपये का फाइन शुल्क लगा दिया, जिसका कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया। हमारी मांग थी कि उसकी वीडियोग्राफी हुई थी और CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो हमारा निवेदन ये था प्राचार्य से कि आप एक जांच टीम गठित करके, जिसमें जो दोषी वीडियोग्राफी में जो लोग जिन्होंने क्षतिग्रस्त किया है या कुर्सियां तोड़ी हैं, उन पर कार्रवाई की है। नहीं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सभी छात्रों पर फाइन लगाए जाए। तो हमारा प्राचार्य से निवेदन था कि आप सभी छात्रों से फाइन लेने की फाइन ना लिया जाए, आप उनसे लीजिए जिन्होंने क्षतिग्रस्त किए हैं। जो छात्र असामाजिक रूप से अंदर प्रवेश कर गए, जो बाहर के जो आउटसाइडर थे वो अंदर प्रवेश करके कुर्सियां तोड़ते हैं, उसमें दोषी छात्रों को बनाया जाए और सभी छात्रों को बनाया जाए, ये तो निंदनीय है। आप उन पर कार्रवाई करिए जिन्होंने ये क्षतिग्रस्त किया है, अन्यथा किसी भी जो छात्र जो दोषी नहीं है उस पर आप कार्रवाई ना कीजिए, उससे फाइन ना वसूला जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन प्राचार्य ने बोला है कि आपकी हमारी जो मांग थी उससे वो सहमत हुए, और उन्होंने बोला कि हमने वीडियोग्राफी कराई है, उसमें हम चिन्हित कर और जो लोग उसमें क्षतिग्रस्त करते नजर आ रहे हैं उनसे ही फाइन हम वसूलेंगे, उन पे ही कार्रवाई करेंगे, नहीं सभी छात्रों से कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या तो शांतिपूर्ण ढंग से हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया है, अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बात होगी, जिसकी जिम्मेदारी JBD बैंकवेट्स लाए हैं। इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।